मैं हमारा चैलेंज होता है लोग बाल्टी रख लें, एक 40 फुट पे रख लो, एक 30 पे रख लो, एक 20 पे रख लो, एक 10 पे रख लो जी, सारी बाल्टी बराबर भरेगी आपकी। अच्छा। और इसका मतलब है कि आपका प्रेशर जितना लास्ट में अगर 10 लीटर गिर रहा है एक मिनट में, तो बीच में भी 10 लीटर ही गिरेगा, लास्ट में भी 10 लीटर ही। और हमारे सबसे बड़ी खासियत है कि जो हमारे टायर है ना जी, वो 100 mm मोटे हैं। अच्छा। जो ये चौड़ाई है ना, ये 100 mm है। अच्छा, 16 mm हाँ, है ये। जो 1300 वाले हैं इसमें भी 100 mm है, और जो 1800 वाले हैं उसमें भी 100 mm है। इसमें जो स्पेसर लगा हुआ है ये देखिए, ये स्पेसर भी हमारे पास रेडी है। अच्छा। ये स्पेसर का डिजाइन हमने पेटेंट कराया रखा है जी। अच्छा, पेटेंट करा, क्योंकि इसमें क्या खासियत है, इसके अंदर जो है ना हमने हाफ चूड़ी दे रखी है। ठीक है, तो इधर का जो हिस्सा है ये तो आपका लग जाएगा जी ट्रैक्टर के अंदर। ठीक है, इधर का हिस्सा आपका जो है वो टायरों के अंदर लग जाता है। तो इसके अंदर जो आप ऐसे चूड़ी को टाइट करके जो है, ये जो दूरी है अभी, जैसे ये टायर जो, ये स्पेसर जो है वो लगभग 8 इंची चौड़े हैं, तो इसकी दूरी को आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, जिस वजह से ये 1 इंची मोटी इतनी टंकी है, और इसके ऊपर आप जैसे मर्जी कट वगैरह मारते रहो, ये टंकी लीक नहीं होगी जब तक इसके अंदर 1 इंची मोटी चीज तीखी इसके अंदर ना खुल जाए, तब तक ये लीक नहीं हो सकती। जैसे मर्जी इसके ऊपर कट वगैरह लग जाए, खरोचे लग जाए, जरीट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, टंकी आपकी लीक नहीं होगी। ठीक है, अभी लगाया। अच्छा, आप देख सकते हो ये वाटर लेवल इंडिकेटर हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। नीचे देखिए गेंद भी पड़ी है, तो जैसे जैसे पानी जाता जाता ये गेंद ऊपर जाएगा, से पता लग जाएगा भी 100 लीटर। तो जो ट्रैक्टर वाला बंदा चला रहा है तो उसको दिखता रहता है कि भाई ये लेवल में गेंद कहां पड़ी है। तो वाटर लेवल जो बंदा चला रहा है उसी को पता लग जाता है। और ये जो बूम है ना, ये स्प्रिंग लोडेड बूम है जी। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि अगर जैसे कि आपके कई बार पेड़ खेत के अंदर खंभा भी हो सकता है, बिजली का पेड़ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये नहीं कि भैया ट्रैक्टर से नीचे उतरो, बूम इकट्ठा करो, फिर खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप इकट्ठा होके अपने आप ही वापस खुल जाता है। तो सबसे पहले भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्ष गर्ग और आपका सबका स्वागत है हमारी लुधियाना की नई फैक्ट्री में, जो राजसन एग्रो इंजीनियर्स के नाम पे हमारी कंपनी है और स्प्रे मैन हमारा ब्रांड है जी। हमारी जो पहली फैक्ट्री थी वो अहमदगढ़ में थी, जो पिछले 33 सालों से आज भी वहाँ पे चल रही है, और आज जो है हमने लुधियाना में अंदर जो है वो अभी इसी साल के अंदर जो है 2023 के अंदर नई फैक्ट्री जो है वो चालू कर दी है। बिल्कुल, पिछले 3 सालों से बन रही थी, सभी सुख सुविधाओं के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, नए ट्रेन इंजीनियर हमने यहाँ पे रखे हैं, नया स्टाफ रखा है, और नए प्रोडक्ट जो है वो हम लेके आ रहे हैं इस नई फैक्ट्री के अंदर, जो किसानों के लिए और ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं, और ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, और जो है उनके पैसे की बचत खरीदते वक्त भी, उसको चलाते वक्त भी, और उसको इस्तेमाल करते वक्त लंबे समय तक भी जो है होने वाली है किसानों की जी। तो सर आज हमारे जो किसान भाई हैं, क्योंकि सीजन का टाइम आगे आने वाला है और उसमें स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, अभी आज हमारे किसान भाइयों को बूम स्प्रे और जो बड़े बड़े टायर मैं इस साइड देख रहा हूँ, बूम टायर, इनके बारे में आज जानकारी दीजिए जी। जी, हमारी जो है, जिससे आप आपको हमारे नाम से भी पता लगेगा, स्प्रे मैन जी। तो हमारा जो पिछले 1990 से भी पहले के जो है हम जो है स्प्रेयर में घुसे हुए हैं, तो 34 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो हमारा स्प्रेयर की लाइन में है जी। जो हम तरह तरह के स्प्रे पंप जो बनाते हैं, तो उन्हीं को दिखाते हुए आज जो मैं है ट्रैक्टर से चलने वाला, ट्रैक्टर की पीटीओ से चलने वाला, लिफ्ट पे उठने वाला ये जो है बूम स्प्रेयर मैं दिखाने वाला हूँ। ये जो बूम स्प्रेयर है, इसकी जो टंकी है वो 600 लीटर की टंकी है इसके अंदर। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्किंग भी लगी हुई है। 600 लीटर का ये बूम स्प्रेयर है, जिसके अंदर हमने नीचे डायाफ्राम पंप लगाया हुआ है। अच्छा, जो डायाफ्राम पंप है ये टर्की का है, और जो इसका बूम है, जो इसका पीछे का बूम है वो 40 फुट लंबा इसका जो है बूम। अच्छा, है यानी कि 40 फुट की चौड़ाई कवर जी करता जी इकट्ठा करके, तो ये जो है 9.75 फुट हो जाता है। अच्छा, खोल कर जो है ये 40 फुट बन जाता है। अच्छा, और जो इसके अंदर नोजल लगी हुई है वो 24 नोजलें इसके अंदर लगी हुई हैं, और ये जो नोजल है ये भी जो है इम्पोर्टेड है, टर्की से हम मंगवाते हैं। अच्छा, स्पेशली ये इंडिया की या लोकल नहीं है, या चाइना की, लोकल काम नहीं किया आपने, पूरा अच्छा काम किया। पूरे जो है हमने अपने जो नए जो टेक्नीशियंस के साथ, नए इंजीनियर्स के साथ बनके ये प्रोडक्ट हमने तैयार करवाए हैं, इसको और सुधारा है। बूम स्प्रे जो 600 लीटर की टंकी का 3 पॉइंट लिंकेज, मतलब देख सकते हैं पिनने लगे हैं, तो जो है लिफ्ट के ऊपर ये उठता है, और इसके अंदर जो ये नीचे डायाफ्राम पंप लगा हुआ मैं दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर जो है ये पीटीओ शाफ्ट ट्रैक्टर की जो सीधा क्रॉस होता है, पीटीओ शाफ्ट होती है, वो सीधी इसके अंदर जो है वो लगेगी। अच्छा, इसके अंदर कोई बेल्ट या कोई पुली वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा, जैसे पुराने पंपों में होता था कि बेल्ट का सिस्टम है, पुली का सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि इसके अंदर गाड़ी की तरह इंजन लगा हुआ है, यहाँ पे जो है 1 2 नीचे 2 इधर 4, टोटल 4 पिस्टन इसके अंदर है जो स्लीव के अंदर चलते हैं, जैसे गाड़ियों के पिस्टन होते हैं उस प्रकार के पिस्टन ही जो है इसके साथ हैं, जो एक बॉडी के अंदर जो है वो चलते हैं।
और जो पिस्टन है वो प्रेशर बनाते हैं, वो हर टाइम तेल के अंदर चलते हैं। अच्छा। जिस वजह से इसकी लाइफ कई सालों तक, जैसे गाड़ियों के इंजन 10-10, 12-12, 15-15 साल चलते हैं, वैसे ही चलते हैं। क्योंकि ये होता है ना सर, जो बेल्ट वगैरह की आप कह रहे हैं, बोल्ट वगैरह की लाइफ ही नहीं, वो लाइफ नहीं है जी, उनके अंदर ग्रीस नहीं करा किसानों ने, वो प्लंजर घिस गए जो गोल गोल होते हैं स्टील के, लोहे के घिस गए, उनके अंदर बोकियां जिनको बोलते हैं सीले रबड़े बोलते हैं, वो लीक होती रहती है पानी का सबका। इसके अंदर वैसा कोई झंझट ही नहीं है जी, इसके अंदर तो इंजन है, इंजन चल रहा है, चल रहा है, इंजन के ऊपर एक रबड़ लगी हुई है, बस वो रबड़ से ऊपर पानी चलता रहता है। अच्छा, तो उसका इतना प्रेशर बनता है। ये जो है एक मिनट का 140 लीटर का जो है सक्शन कैपेसिटी रखता है, मतलब अच्छा। ये अगर ये इसको खुला छोड़ देना तो 600 लीटर का पानी तो इसने 5 मिनट में खाली कर देना, इसकी अच्छा। इतनी कैपेसिटी है। इसी को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगाना पड़ता है। इसके अंदर जो है यहाँ से जो प्रेशर बन के वो इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाता है, जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है इसके अंदर जो है ये सारा बूम ऑन करना है, सारा बूम ऑफ करना है, प्रेशर कम करना है, प्रेशर यहाँ से ढीला करेंगे कम होता जाएगा, कसते रहेंगे बढ़ता जाएगा, ये मीटर भी लगा हुआ है प्रेशर बताने के लिए। और यहाँ से आपको जैसे कि दायां बूम ऑन करना है, बायां ऑन करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम यहाँ किनारे पे हैं तो नहीं चाहते कि दूसरे के खेत में स्प्रे जाए, तो हम एक साइड बंद भी कर सकते हैं, या कई बार हवा चल रही होती है तो वो साइड को कम भी खोल सकते हैं, प्रेशर उसमें कम रख लें, दूसरे में ज़्यादा रख लें। और इसमें पानी भरना, मतलब जैसे कि हमें ये नहीं है कि टूटी लगा के या समर्सिबल लगा के भरना, जैसे कि जो पानी का खाल ज्यादा नदी जा रही है वहां से पानी भरना, वो सिस्टम भी इसके अंदर है। अच्छा। यहाँ पे पाइप लग जाता है, तो अच्छा, जो बाहर पे पाइप लगता है जी, तो बाहर का जो सारा पानी है वो इसके टंकी के अंदर जो है भर जाता है। अच्छा। इसके अंदर हमने जो है वो 3 फिल्टर हमने इसके अंदर लगाए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अगर एक फिल्टर तो इसके अंदर यहाँ पे है, जो जितना भी साफ पानी जो यहाँ पे पुन के जाएगा, आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो पाइप लगी हुई है तो उसके अंदर जो आपको ये लाल वाला फिल्टर जो दिख रहा है, तो ये भी हमारा जो ये लाल फिल्टर है ये भी जो है ये पानी को जो है साफ करके अंदर भेजता है। उसके बाद एक फिल्टर हमने यहाँ नीचे भी लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे टायरों के पास भी जो पीछे की तरफ। अच्छा, ये वाला। हाँ, ये भी एक फिल्टर है, इसके अंदर भी पानी साफ जाएगा। और उसके बाद हर एक नोजल के अंदर भी हमने अच्छा फिल्टर लगाया। अच्छा, नोजल के अंदर भी फिल्टर लगाया जी, हर एक एक नोजल के अंदर फिल्टर है। तो अच्छा, मतलब इतना अच्छा, साफ पानी जो आपका जाता रहे ताकि पानी का कचरा वगैरह कोई इसके अंदर पंप के अंदर ना जाए। और बाकी है ना, इसकी लाइफ भी ज्यादा बढ़ती है। इसकी जो टैंकी है ना जी, जो टैंकी हमने बनाई, आपको दिखाना चाहूंगा कि इतनी मोटी टैंकी जो है हमने इसके अंदर लगाई है, जो पॉलीथिलीन की बनी हुई है जिसमें फाइबर ग्लास मिक्स करा हुआ है। क्या होता सर ये, जैसे ये चीज है ना, कई मैंने देखा है कंपनियों के, ये जो टैंकी है इसको ऐसे मुक्का भी मारते हैं ना तो प्लास्टिक दब जाती है, पर ये बहुत हार्ड है ना? ये प्लास्टिक है ही नहीं जी इसके अंदर ना, इसके अंदर कांच मिक्स करा हुआ फाइबर ग्लास बोलते हैं। अच्छा, जो अच्छा, बोट अच्छा, किश्तियां होती है ना समुद्र वाली, उनका जो नीचे का तलवा होता है ये उस मटेरियल से बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आपको कोई जोड़ वगैरह नहीं दिखेगा क्योंकि ये बिना जोड़ की टंकी है, ये सिंगल पीस के अंदर बनती है, ये लेयर में बनती है, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती है, जिस वजह से ये 1 इंची मोटी इतनी टंकी है। और इसके ऊपर आप जैसे मर्जी कट वगैरह मारते रहो, ये टंकी लीक नहीं होगी जब तक इसके अंदर 1 इंची मोटी चीज तीखी इसके अंदर ना खुल जाए, तब तक ये लीक नहीं हो सकती। जैसे मर्जी इसके ऊपर कट वगैरह लग जाए, खरोचे लग जाए, जरीट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, टैंकी आपकी लीक नहीं होगी। ठीक है सर। और ये टैंकी जो है फर्स्ट ग्रेड प्योर प्लास्टिक की बनी है। जो लोग अक्सर, जैसे कि आपने देखा होगा, काली टैंकी लगाते हैं या कोई दूसरी रंग बिरंगी भड़कीली टंकी लगाते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ना जो पुराना प्लास्टिक होता है जैसे पिघलाया हुआ, लोग कबाड़ी जैसे प्लास्टिक ले जाते हैं उसको पिघला के वो दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो टंकी जो है वो काले रंग की होगी या गुड़े जो रंग होते हैं ना, जो मतलब काले हो गए, ग्रे कलर की हो गई, उन डार्क कलर की टंकी वो होती है। ये जो लाइट कलर होते हैं जैसे सफेद हो गया, पीला रंग हो गया, तो ये जो होते हैं ये प्योर के कलर होते हैं, क्योंकि इनमें अगर कुछ भी प्लास्टिक वगैरह पुराना मिक्स करो ना तो उसका रंग झलकेगा इनके अंदर। बिल्कुल, पर ये प्योर के रंग है। और इसके अंदर हमने ये वाटर लेवल भी लगाया। अच्छा, आप देख सकते हो ये वाटर लेवल इंडिकेटर हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। ये नीचे देखिए गेंद भी पड़ी है, तो जैसे जैसे पानी जाता जाता है ये गेंद ऊपर जाकर पता लग जाएगा भी जी, तो जो ट्रैक्टर वाला बंदा चला रहा है तो उसको दिखता रहता है कि भाई ये लेवल में गेंद कहाँ पड़ी है, तो वाटर लेवल जो बंदा चला रहा है उसी को पता लग जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर भी ड्राइवर के हाथ में रहता है, वो अकेला बैठा यहाँ से कंट्रोल कर लेता है कि पंप ऑन करना है, कम करना है, प्रेशर बढ़ाना है, कम करना है, दायां बायां। तो ये सारी चीजें, मतलब इसको चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए, वो भी ट्रैक्टर का ड्राइवर। यानी कि और एक्स्ट्रा बंदे की कोई जरूरत नहीं है जी। और इधर मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हमने 10 लीटर की टंकी अलग से दे रखी है। अच्छा, ये किस चीज के लिए सर? ये जो है इसमें साफ पानी लोग जो है यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। और इधर हमने जो इसके टूटी लगाई है, आप देखिए। अच्छा, ये देखिए, ये टूटी लगाई है, आपको हाथ धोने हैं, या कई बार क्या होता है कि हमारे पास पाउडर या लिक्विड वाली दवाई होती है तो उसको पानी में मिक्स करके टंकी के अंदर डालना है, तो वो सब चीजें भी जो है हम इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने अलग से 10 लीटर की टंकी दे रखी है कि आप खेत के अंदर हो, बिल्कुल आपको दवाई मिक्स करनी है, आपको हाथ धोने, ये थोड़ी आप ट्रैक्टर को छोड़ के भागोगे बाहर, तो इसके लिए अलग से साफ पानी की टंकी हमने अलग से दे रखी है, ठीक है। और ये जो बूम है ये भी हमने यहाँ पूरा एडजस्टेबल बनाया, मैं दिखाना चाहूंगा
कि हमने जो है इसको पूरा एडजस्टमेंट रखा है। आप इसको बिल्कुल नीचे भी लेके आ सकते हो। अच्छा जी, ये जहाँ मर्जी आप सेटिंग ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जी 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 जी, इसके अंदर दो बोल्ट इधर हैं, दो बोल्ट इधर, खाली चार बोल्ट है। तो चार बोल्ट खोल के आप जहाँ मर्जी इसके अंदर जो है वो सेटिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे जिधर दाएं बाएं जिधर मर्जी आप जो है जी, वो कर सकते हैं। और ये जो बूम है ना, ये स्प्रिंग लोडेड बूम है जी। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ना कि अगर जैसे कि आपके कई बार पेड़ खेत के अंदर खंभा भी हो सकता है, बिजली का पेड़ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये नहीं कि भैया ट्रैक्टर से नीचे उतरो, बूम इकट्ठा करो फिर खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप इकट्ठा होके अपने आप ही वापस खुल जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये नहीं है कि आपको उतरना पड़ेगा, नहीं, ये बूम जो है अपने आप इकट्ठा होकर अपने आप खुल जाता है, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खंबे का वो कोई चक्कर नहीं ना है। खंबे का चक्कर है ना पेड़ का चक्कर, खेत के अंदर खंबे पेड़ जितने कोई बात नहीं, चलते जाने दो, ये पंप आपका जो है वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पंप के अंदर जो भी लगा है ना, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है। आप ये जो नीचे कट देख रहे होंगे, ये कट ऐसे ही नहीं बनाए हुए शो डिजाइन के लिए। आजकल जितने भी इंटरनेशनल ट्रैक्टर जो है, जैसे जॉन डियर हो गया जी, जितने भी बड़ी कंपनियां है या डच फैक्ट्रीज का ट्रैक्टर है, वहां पे पिनों का सिस्टम वो खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ड्रावर का सिस्टम कर रहे हैं कि सीधा ड्रावर पड़ जाए और उठ जाए, बाद बंदे को नीचे उतरने की जरूरत न पड़े। तो वो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, जो यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हैं, ये सारी थ्री पॉइंट लिंकेज सिस्टम हमने इसके अंदर दे रखा है कि आपका अगर ट्रैक्टर के अंदर कल को आप आज आके कोई लेटेस्ट ट्रैक्टर लेके आओ वो भी इस पे फिट होगा, या आप 1990 का स्वराज लेके आओ वो भी इसके ऊपर जो है फिट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हर एक ट्रैक्टर की वो दे दी है आपने। जी 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 जी। और इसके अंदर यहाँ पे हमने दवाई घोलने का सिस्टम भी है, क्योंकि कई बार ऐसे आलू वाले होते हैं जो उनकी दवाई पाउडर वाली होती है, तो वो दवा जो है खारी होती है तो वो नीचे बैठ जाती है, तो उसको भी मिक्स करने के लिए हमने यहाँ से अलग से सिस्टम दे रखा है। तो आप इसको जो है खोल दोगे तो दवाई आपकी मिक्स होती रहेगी। अच्छा, मिक्स होती रहेगी, चलते हुए भी मिक्स हो सकती है, कि आपका बूम भी चल रहा है ये भी चल रहा है। तो इस पंप के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है जी कि ये दवा मिक्स कर रहा है। इसके अंदर तीन तो हमने वापसी दे रखी है। तो प्रेशर इतना ज्यादा होने की वजह से तीन तो इसके अंदर हमने वापसी दे रखी है। अच्छा, तीन वापसी दे रखी है। जी 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 जी। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आपको प्रेशर कम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, डायफ्राम पंप का मकसद क्या होता है जी, ये चार पिस्टन का पंप है। मार्केट में और भी आते हैं, लोग तीन पिस्टन का पंप लगाते हैं। अब तीन पिस्टन में दिक्कत क्या आती है जी, कि दो पिस्टन तो ऊपर उठ रहे हैं, एक पीछे जा रहा है, ठीक है, चलो जी प्रेशर बन गया, पर जब दो के पीछे और एक ऊपर उठने की बारी आती है ना, तब प्रेशर डाउन हो जाता है थोड़ा सा। वो होता मिली सेकंड के लिए, आदमी को ऐसे पता नहीं लगता, क्योंकि सीधी सी बात है, तीन थ्योरी है, दो ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, दो नीचे, तो उसमें प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है। और यही दिक्कत आती है जो बेल्ट वाले पंप होते हैं, उनमें भी तीन प्लंजर होते हैं, दो आगे चले गए एक पीछे आ गया, तो इस वजह से जो प्रेशर है ना वो ठक 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 ठक, कभी ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे झटके मारता होता है। इसके अंदर चार पिस्टन है, दो एक बार में ऊपर जाएंगे, दो नीचे आएंगे, फिर दो बाहर आएंगे, फिर दो अंदर जाएंगे, तो जिस वजह से सिस्टम बराबर चलता है। और आपके सारे बूम में हमारा चैलेंज होता है, लोग बाल्टी रख लें, एक 40 फुट पे रख लो, एक 30 पे रख लो, एक 20 पे रख लो, एक 10 पे रख लो, जी सारी बाल्टी बराबर भरेगी आपकी। अच्छा। इसका मतलब है कि आपका प्रेशर जितना लास्ट में अगर 10 लीटर गिर रहा है एक मिनट में, तो बीच में भी 10 लीटर ही गिरेगा, लास्ट में भी 10 लीटर ही गिरेगा। हर एक जो स्प्रे वाली निप्पल है उससे बराबर पानी निकलेगा, बराबर पानी निकलेगा। और ये सिर्फ पॉसिबल है डायाफ्राम पंप के साथ, चार पिस्टन वाले पंप के साथ। तीन पिस्टन वाले में ये चीजें फेल हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल, ये चार पिस्टन के साथ है। बाकी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी टर्की का लगा हुआ, तो ये सब चीजें मिलकर इकट्ठा एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट स्प्रे का देती है। जी जी। तो सर जैसे हम बात करें इसके सर्विस वगैरह की, तो क्या सर्विस कैसे करनी पड़ती है इसमें? वैसे तो कुछ ज्यादा होता नहीं जी, इसका खाली पंप का नीचे तेल, जैसे हम गाड़ियों का तेल चेंज कराते हैं, इसका खाली तेल चेंज करना होता है, वो भी घर पे ही हो जाता है, हमारी पूरा इसका सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, टैंकी या लोहा है, कुछ नहीं होता है इसको। दो साल की तो पंप की वारंटी आती है। अच्छा, ठीक है, दो साल के लिए आपको इसका पंप के अंदर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई दो साल की पूरी फुल वारंटी। हाँ जी हाँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी इसको कुछ भी होने वाला नहीं है, सब जो चीज है वो बढ़िया टॉप इंटरनेशनल क्वालिटी का लगा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। तो सर जैसे हम बात करें अब स्पेयर पार्ट की, स्पेयर पार्ट भी मिल जाता है ना अपने यहाँ? इन सब का जो स्पेयर पार्ट है जी वो हमारे पास अवेलेबल रहता है। वजह क्योंकि हमने इसको खुद यहाँ पे असेंबल करते हैं। पंप जो है वो हम टर्की से मंगाते हैं, तो वहाँ पे तो पहले प्रॉब्लम ही नहीं आती, आती है तब भी सारा स्पेयर पार्ट हमारे पास इसमें अवेलेबल रहता है। स्प्रेयर के लिए तो हमारी खास जो है वो महारत है, तो किसानों को सोचने की जरूरत नहीं है कि स्प्रेयर में कभी उनको जो है स्प्रे मैन से मार मर जाएगी। तो सर जैसे मैं देख रहा हूँ इस साइड ये बड़े बड़े टायर पड़े हैं, एक तो इनके बारे में आज वीडियो में जरूर बताएं, पिछली बार भी हमने एक वीडियो की थी
तो वो मेले में की थी, आज इनके बारे में अच्छे तरीके से बताएं कौन सा साइज ये बूम स्प्रेयर का मिलेगा। जी, 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 जी। आजकल रेट भी बहुत ज्यादा हाई है, आपके रेट देखते हैं क्या रेट निकलते हैं। जी जी जी, हमारे जो है किसानों के लिए इसमें क्या जी, ये है ट्रैक्टर के साथ लगने वाले हाई क्लियरेंस टायर बोला जाता है। हाई क्लियरेंस मतलब कि ये ट्रैक्टर को जमीन से जो क्लियरेंस मिलती है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से ट्रैक्टर आपका खेत के अंदर भी जो है वो आसानी से चला जाता है। और ये जो टायर होते हैं वो पतले होते हैं, जिस वजह से फसल का नुकसान नहीं होता, आपकी जो आपकी मेड़ बनी नाली बनी हुई है या जो बट बनी हुई है उसके अंदर भी आसानी से चला जाता है। तो ये जो है ये ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर हो गए, ये ट्रैक्टर के आगे वाले टायर हो गए। कोई भी ट्रैक्टर जो 35 हॉर्स पावर या उससे बड़ा है तो उसके ऊपर ये आसानी से फिट हो जाएंगे। अच्छा, कोई इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर ये जो अभी जहाँ पे साइज पड़ा है ये पड़ा है आगे वाला 1300 mm। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए 1300 mm का जो टायर है। और ये जो पीछे वाले टायर है ये है 1800 mm के। अच्छा, ये 1800 mm के है, वो 1300 mm है, ये 1800 mm का टायर है। और ये जो टायर है ये पूरे हैवी यूरोपियन क्वालिटी के टायर हैं, ये चाइनीज वाले टायर नहीं है। लोगों को डर होता है कि चाइना वाले टायर है, वो पूरे यूरोपियन क्वालिटी के टायर हैं। इसकी जो रबड़ है वो बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर जो है वो चिपकाई होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो पाइप है ये भी 42 mm का पाइप, हमने हैवी पाइप लगा हुआ है। और रंग जो है पूरा हैवी क्वालिटी का हुआ है। ये जो पीछे वाले टायर है ये लगभग 1800 mm मतलब 6 फुट के टायर हो जाते हैं। मेरा खुद की हाइट 6 फुट है, तो आपको देख सकते हैं कि ये 6 फुट जो है टायर ऊंचे हो जाते हैं। और एक इसमें साइज आता है 2100-1600। अच्छा, मतलब 2100 और 2100 और 1600 2100 टायर आता है, उसमें 1600 वाले आगे होते हैं और 2100 वाले पीछे होते हैं। तो ये दो साइज हमारे पास जो है अवेलेबल हैं। ये ट्रैक्टर के ऊपर सीधा भी लग जाते हैं, या इनके लिए कई बार ट्रैक्टरों के आप लोग यहाँ पे स्पेसर लगाते हैं, तो वो स्पेसर भी लगा के जो है आप इसको टायरों को फिट कर सकते हैं। तो सर जैसे हम साइज की बात करें तो कितने एचपी से कितने एचपी तक का ये साइज अवेलेबल है? सर हमारे पास जो साइज है वो जैसे कि 1300 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2100 mm, ये चार साइज हमारे पास अवेलेबल हैं जो ज्यादा चल रहे हैं। हाँ, जो ज्यादा चलते हैं। और हमारे सबसे बड़ी खासियत है कि जो हमारे टायर है ना जी वो 100 mm मोटे हैं। अच्छा, जो ये चौड़ाई है ना ये 100 mm है। अच्छा, 16 mm। हाँ, की है ये। जो 1300 वाले हैं इसमें भी 100 mm है, और जो 1800 वाले हैं उसमें भी 100 mm है। जी जी। लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर 1300 के अंदर जो है वो 80 mm के टायर लेके आते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिससे वो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, पीछे वाले 100 mm रहते हैं। इससे जो है वो ट्रैक्टर का बैलेंस नहीं बनता कि आगे का टायर पतला है बहुत पीछे का, क्योंकि ये टायर पहले ही पतले हैं। अगर और पतले कर दिए फिर तो वो ट्रैक्टर का जब कटाई करते हैं ना तो ट्रैक्टर स्लिप मार के उधर को भाग जाता है, या फिर वो ट्रैक्टर का जो है वो पलटने का खतरा रहता है। जैसे थोड़ा टेढ़ी जगह चलते हो ना, जैसे क्योंकि खेत कौन सा सड़क की तरह रोड रोलर फेर रखा है जी, वो तो ऊपर खापड़ हो सकते हैं, तो वहां पर दिक्कत होती है। तो हमने जो हमारे आगे के भी 100 mm है, पीछे के भी 100 mm है, और इसमें हमारे पास 13 साइज जो है मैंने आपको पहले बता दिया, सारे अवेलेबल है, क्वालिटी की पूरी आदमी जहां मर्जी इसको जो है चेक करवा सकते। तो सर एक तो ये बताएं कि इसकी वारंटी वगैरह तो नहीं है? सर इसकी 1 साल की है जी। 1 साल की वारंटी किस चीज की है? इसकी 1 साल की वारंटी ये लोहे फ्रेम की होती है सर। अच्छा, कि इसको कुछ आपका कोई दिक्कत आती है तो वो जो चीज है उसको ठीक करके कंपनी जो है वो देगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो किसान भाई देख सकते हो बूम स्प्रेयर जो बड़े टायर हैं वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बूम स्प्रेयर की जो टैंकी है ट्रैक्टर के पीछे वो दोनों लगा के आप स्प्रे कर सकते हैं। बड़े टैंकर लेना हो बड़ा टैंकर भी मिल जाएगा, वो 2000 लीटर का टैंकर है जी। तो बाद में सर बात आएगी कि इसके प्राइस की, टायरों का प्राइस और जो बूम स्प्रेयर है उनका प्राइस जरूर बताएं भी। जी क्या जी प्राइस जी रहेगा? दो जो पहले सबसे बात करते हैं जी, हमारा जो 600 लीटर का बूम स्प्रेयर है जी, जिसके अंदर हमने पूरा बूम वगैरह लगा के दिया हुआ है, स्प्रिंग लोडेड बूम है, डायफ्राम पंप लगा हुआ है, 4 पिस्टन वाला 140 लीटर का स्प्रिंग लोडेड बूम है, पित्तल की नोजल के साथ, प्लास्टिक अच्छा, वाली नहीं, पित्तल की नोजल हमने लगा के दे रखी है, जो टूटने फूटने का इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। और सब कुछ सारे फीचर्स जो मैंने आपको सब बताया वो सब चीजों के साथ ये आपको पड़ेगा 1,10,000 का। अच्छा, 1,10,000 रुपए का सारा सिस्टम लगा। जी जी जी। और मार्केट में ये जो है 1,40,000 1.5 लाख तक का जो है लोग बेचते हैं, पर हमारी कंपनी जैसे बताया है किसानों के लिए नई फैक्ट्री जो है शुरू है, तो इसमें हमारा जो रेट रहेगा वो 1,10,000 रहेगा बूम स्प्रेयर का। और अगर किसी किसान भाई को टायर चाहिए तो जो टायर जो है मार्केट में लोगों आपने टायर आपने भी देखा होगा, इतनी लोगों ने वीडियोस डाल रखी है, कोई इसको 1.5 लाख का बेच रहा है, कोई 1,60,000 का बेच रहा है, कोई 1,70,000 का बेच रहा है। तो हम जो है ये चारों टायर उनको 1800-1300 mm के जो टायर है ये चारों टायर किसान को 1 लाख रुपए के अंदर। अच्छा, भी चारों टायर 1 लाख रुपए में मिलेंगे विद GST विद बिल सब आपको जो है 1 लाख के अंदर किसानों को मिलने वाले हैं। तो लो जी किसान भाइयों, जो बड़े टायर है ना आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सबसे सस्ते टायर लेके आए हैं, वो भी यूरोपियन टायर,
यूरोप वाले टायर हैं जी, ये मात्र आपको 1,00,000 रुपए में 4 टायर मिलेंगे, जिसका साइज है जी 1300 और एक जो बड़ा साइज है 1800 है जी, जी। और जो इससे बड़े साइज आते हैं जी 1600 और 2100, वो जो है वो किसानों को पड़ेंगे 30,000 महंगे, मतलब 1,30,000 के अंदर चारों टायर जो है वो किसानों को मिलेंगे, जो 1600 और 2100 के डलवाएंगे, जो 1600 2100 है किसान भाइयों को वो मिलेगा 1,30,000 का, और ये वाले मिलेंगे आपको 1,00,000 के। हमारे पास जो है इसके स्पेसर भी रेडी है, अभी हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, अभी ये प्राइमर लग रहे हैं तो हमारा ऐसे नहीं है, तो इसमें जो स्पेसर लगा हुआ है ये देखिए, ये स्पेसर भी हमारे पास रेडी है। ये स्पेसर का डिजाइन हमने पेटेंट कराया रखा है जी। अच्छा, पेटेंट कराया, क्योंकि इसमें क्या खासियत है, इसके अंदर जो है ना हमने हाफ चूड़ी दे रखी है, ठीक है। तो इधर का जो हिस्सा है ये तो आपका लग जाएगा जी ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है, इधर का हिस्सा आपका जो है वो टायरों के अंदर लग जाता है। तो इसके अंदर जो आप ऐसे चूड़ी को टाइट करके जो है, ये जो दूरी है अभी, जैसे ये टायर जो, ये स्पेसर जो है वो लगभग 8 इंची चौड़े हैं, तो इसकी दूरी को आप कम ज्यादा कर सकते हो। अच्छा, भी अपने हिसाब से, जैसे क्योंकि कई बार जैसे बट होती है जी, आगे में बैठ होता है, एक यहाँ पे है, एक जो दूसरी जगह पे है, तो कई बार अगर फिक्स स्पेसर होंगे ना तो उसको वहीं पे टायर फेंकने पड़ेंगे। अगर एडजस्टेबल है तो वो थोड़ी बहुत एडजस्ट करके टायर को अपनी सही जगह पे लेके आ सकते हैं जी जी जी। तो उसको वो जैसे मर्जी, ये जो है प्लेट वगैरह जैसे की सेट करके वहाँ पे उसको वो वेल्ड करके फिट कर सकता है। तो वो चाहे किसान कस्टमर जो है वो महाराष्ट्र का है, चाहे एमपी का है, चाहे यूपी का है, चाहे पंजाब का है, ट्रैक्टर हमारे पास लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। हम आपको होल जो है टायरों साइड के करके देंगे, ट्रैक्टर वाली साइड के जो है वो बिना होल करे हुए देंगे, क्योंकि ट्रैक्टर में ना साइज अलग अलग आते हैं, कोई 6 होल वाला आता है, कोई 8 होल वाला आता है, कोई तो वो जो है आसानी से प्लेट उतार के इसके अंदर पहले होल कर सकते हैं, ठीक है, और होल करने के बाद लगा के जहाँ उनको सेट करना है जितनी दूरी पे लगा के, एक खाली वेल्डिंग, वेल्डिंग और होल करना है, ये तो आसानी से हर जगह पे खराद वाले के साथ करा सकते हो, तो वो वहाँ पे करवा सकते हैं जी जी जी। ये हमारे पीछे के स्पेसर हो गए और वो वाले हमारे आगे वाले, क्योंकि स्पेसर में क्या प्रॉब्लम आती थी, कई किसान भाइयों को पता नहीं था स्पेसर बनवाने कैसे हैं, स्पेसर बनवाने कैसे हैं जी, या स्पेसर के लिए भैया मिस्त्री ढूंढो, मिस्त्री जो है वो इतना बड़ा मुंह निकाले थे, 30,000-35,000 का स्पेसर, ट्रैक्टर एक हफ्ता हमारे पास छोड़ जाओ, एक हफ्ता ट्रैक्टर को उन्होंने खेतों की भाई करनी है, करना क्या ट्रैक्टर का, स्पेसर तैयार करो, साइज स्टैंडर्ड है, टायरों के साइज आपको हमारे गलियों में मिल रही है, ट्रैक्टर वाली आप लोकल खाली प्लेट खोल के ले जाओ कर देंगे, उसके बाद वेल्डिंग करा के हमने ट्रैक्टर में लगाओ, चलो जी काम खत्म हो गया। तो किसान भाइयों, जैसे कई किसान भाइयों के कमेंट भी आते थे भी, जो पहले हमने एक वीडियो बनाई थी इन टायरों की, तो उनमें कमेंट आते थे कि स्पेसर लगेगा कैसे, तो भाई हर्ष ने जो स्प्रेमैन कंपनी है उन्होंने स्पेसर भी बनवा दिए हैं, हर एक ट्रैक्टर के आपको स्पेसर मिल जाएंगे, साथ में आपको टायर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर, जो स्पेसर जिन किसान भाइयों ने लेने हो, तो जैसे आपने कहा है कि 1,00,000 रुपए के 4 टायर हैं जी, तो स्पेसर कितने के हैं, ये कोई अंदाजा पता लग जाए। स्पेसर हम ना तो किसी को 30,000 के देंगे, ना किसी को 20,000 देंगे, मात्र 1,650 के अंदर चारों स्पेसर। अच्छा, 1,650 रुपए में चारों स्पेसर, चार स्पेसर दे रहे हो, चार स्पेसर किसान को दे रहे हैं। स्पेसर लेके किसानों को खाली दो काम करने हैं, एक तो ट्रैक्टर साइड के गलियां मारनी है, होल करने है, और एक वेल्डिंग एक साइड करानी है, एक साइड वेल्डिंग करानी है, बस इतना काम किसानों को करवाना है। वो आपके जो क्योंकि वो भी वो हम इसलिए नहीं करके दे पाते क्योंकि ट्रैक्टर के साइजेस हर किसी के अलग अलग है, तो वो जो है करके किसान अपना बस उसके स्पेसर जो है वो रेडी है, कहीं उसको 30,000-35,000-40,000 पे खर्चने की जरूरत नहीं है, कहीं उसको एक एक हफ्ता ट्रैक्टर छोड़ने की जरूरत नहीं है जी जी। तो किसान भाइयों देख सकते हो आज की जो वीडियो थी, वीडियो में ये बताया गया है, एक तो बूम स्प्रेयर के बारे में बताया गया है और एक ये ट्रैक्टर के जो टायर हैं बड़े टायर ये बताए गए हैं, मात्र आपको और कहीं से इतने सस्ते नहीं मिलेंगे, 1,00,000 रुपए में 1,300 और 1,800 वाले जो साइज है ना, चार टायर मिलेंगे एक ट्रैक्टर, यानी कि एक ट्रैक्टर के चारों टायर मिलेंगे और उसके साथ आपको स्पेसर मिल जाएंगे, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, स्पेसर बनवाने की भी जरूरत नहीं है। कई किसान भाई यह कहते हैं कि हमारे मिस्त्री को पता नहीं स्पेसर बनाना कैसे है, आपको यहाँ से स्पेसर भी मिल जाएगा, बस आपने एक होल करने हैं और नट लगाने हैं, बस आपका काम रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की जो वीडियो थी, भाई हर्ष ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों को बताया, क्योंकि हर एक वीडियो में यही मकसद होता है कि अच्छे तरीके से बताएं किसान भाइयों को, और नॉलेज बढ़े और उनको उस मशीन के बारे में प्रॉपर जानकारी मिले। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी नई से नई वीडियो हम डाल सकें और नए किसान जुड़ सकें और सहायता ले सकें। तो भाइयों आज की ये थी वीडियो आज के लिए, और जो किसान भाई इनको ख़रीदना चाहते हैं वो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है जी, नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं स्प्रेमैन कंपनी में, हर एक चीज़ के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। और भाई ने पहले भी बताया है कि जो डिलीवरी है
चाहे आप अंडमान निकोबार से भी हैं ना समुंदर पार, वहाँ पे भी आपको अवेलेबल करा के देंगे, डिलीवरी अवेलेबल है स्प्रे मैन की। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई जी आपका, आपने इतने अच्छे तरीके से आज हमारे किसान भाइयों को बताया और इतना अच्छा सामान भी लेके आए हो। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए।